हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस तो आज के वीडियो में हम दे देखेंगे कि आ, जो वर्किंग पीपल है तो वो कैसे एनफ्लॉय डिप्लॉय करके मंथली एनफ्लॉ डिप्लॉय करके अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या फिर ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जो स्क्रीन के लिए जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते या फिर अगर आप दिन में दस पंद्रह मिनट भी अगर दे सकते हो तो दैट स्ट्रेटजी मतलब दी स्ट्रेटजी डेफिनेटली वर्क करेगी आपके लिए और लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो मंथली आई एनफ्लाईज़ की मैं बात कर रहा हूँ तो आज के वीडियो में हम क्लियरली देखेंगे मंथली आई फ्लाई कब डिप्लॉय करना है कैसे डिप्लॉय करना है आ, उसके पीछे की लॉजिक क्या है एडजस्टमेंट कैसे हैं कब आप अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो कौन सा सीनियरियों सबसे अच्छा रहता है आई फ्लाई मंथली डिप्लॉय करने में मतलब डिप्लॉय तो आप हमेशा कर सकते हो लेकिन कौन से सीनियर में आप अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के वीडियो में तो बने रहें कैप ठीक है तो हम डायरेक्टली चलते हैं ये ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट है आप सबको पता होगा तो हम एक बैक टेस्टिंग करते हैं बैंक निफ्टी का हम आनफ्लाई डिप्लॉय करेंगे तो हम आ, बैक टेस्टिंग करेंगे दिसंबर मंथ की एक्सपायरी का तो देखिए जब भी आप डिप्लॉय करोगे मंथली एक्सपायरी तो जनरली आप एटलीस्ट 45 टू 30 डेज़ बिफोर 45 40 डेज़ बिफोर जाओ रीजन uh, रीज़न क्या है कि आपको उससे ज़्यादा बड़ी रेंज मिलती है एन फ्राई में जिससे हम कहते हैं वेगा मतलब ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती आपको क्योंकि आपको रेंज बड़ी मिलती है जितना आप पहले डिप्लॉय करोगे जितना आप पास डिप्लॉय मतलब एक्सपायरी नज़दीक आ रही है और आप इमीजिएट डिप्लॉय कर ले तो आपको उस रेंज कम मिलेंगी तो वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा अगर होगी तो आपको आ, हैंडल करने में बड़ा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपके पास रेंज कम है तो इट्स इट्स बेटर कि आप जितना दूर का एन फ्राई डिप्लॉय करोगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा Uh, आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ेगी तो uh, हम डिप्लॉय करेंगे अभी एनफ्लाई जैसे कि हमें दिसंबर मंथ की एक्सपायरी अगर डिप्लॉय करनी है तो हम uh, नवंबर मंथ का जो लास्ट एक्सपायरी है यानी कि थर्सडे जो दिख रहा है हमें ट्वेंटी तो उस दिन हम डिप्लॉय करेंगे और जनरली आप uh, डिप्लॉय करते टाइम ये जरूर देखिएगा कि स्ट्राइक्स प्राइस लिक्विड है या नहीं जनरली हमारे यहाँ क्या आता है मतलब आ, बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी हो इंडेक्स ऑफ वो तो लिक्विड होते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है अगर आप 35 40 डेज़ बिफोर अगर एक्सपायर ट्रेड करने लगोगे ना तो कुछ स्ट्राइक्स प्राइस लिक्विड नहीं होती तो हमारा जो एनफ्लाई है वो अनइवन हो जाता है मतलब उसकी ई विंग्स तो आप जब तब तक रुको वो जब तक आपके स्ट्राइक्स लिक्विड्स ना हो तो वो आपको पता चल जाएगा कि स्प्रेड जो है बाई सेलिंग में कितना गैप है उससे आपको डिप, आ, मतलब आ अंदाजा आ जाएगा कि ये स्ट्राइक्स लिक्विड है या नहीं या फिर कभी कभी, कभी क्या प्रॉब्लम होता है आप मार्केट ऑर्डर प्लेस कर देते हो और ये स्ट्राइक्स सिल लिक्विड होने के कारण बहुत मतलब आपको जो प्राइस दिखती है उस पर एग्जीक्यूट कभी नहीं होता उसके बहुत आगे पीछे वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो आइन फ्लाय डिप्लॉय आय फायर छोड़ो कोई सी भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते ही आपको लॉस दिखना चालू होता है रीजन बे इन कि वो स्ट्राइक्स इन लिक्विड है तो आप रुको जब तक आपकी स्ट्राइक्स लिक्विड ना हो ठीक है वो आपको पता चल जाएगा बाइंग सेलिंग में जो स्प्रेड डिफरेंस है ठीक है तो देखिए हम ट्वेंटी फोर्थ को डिप्लॉय करेंगे और हमारी एक्सपायरी रहेगी हमारी यहाँ पे एक्सपायरी रहेगी ट्वेंटी दिसंबर राइट तो और देखिए ये ट्वेंटी फोर्थ की स्ट्राइक है मैंने इसका स्टडी किया लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ स्ट्राइक्स लिक्विड नहीं है तो हम डिप्लॉय करेंगे ट्वेंटी फिफ्थ नवम्बर को और आ, मेरा स्टैंडर्ड टाइम है डिप्लॉय करने का लगभग सवा तीन बजे के आसपास ठीक है तो हम लगभग तीन बज के बीस मिनट के आसपास हम आई फ्लाई डिप्लॉय करेंगे मंथली कर रहा हूँ मैं ठीक है ट्वेंटी नाइन डिसम्बर ट्वेंटी फिफ्थ नवम्बर को हम डिप्लॉय करने ठीक है अभी प्राइस चल रही है मार्केट की फोर्टी टू थाउज़ेंड नाइन तो मतलब लगभग 43,000 के आसपास तो 43,000 थ्री थाउजेंड आई एंड फ्लाई डिप्लॉय करता है ठीक है सेल दस लॉट से मैं करूँगा ठीक है और यहाँ पे कॉल सही किया हमने तो 860 सिक्सटी फाइव सेवेंटी लगभग फिफ्टीन हंड्रेड राइट तो फोर्टी थ्री थाउजेंड प्लस फिफ्टीन हंड्रेड फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड देखिए लगभग ट्वेंटी डेट तक के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और नीचे अगर जाएंगे हम फोर्टी वन फाइव हंड्रेड ठीक है ये हमने ट्रेड किया तो देखो हमारा एंड फ्लाई कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है हमने कैसा एंड फ्लाई डिप्लॉय किया हमने क्या किया कि एक स्टैडल सेल किया जो भी स्पॉट्स की प्राइस चल रही है ना कि फ्यूचर की आप स्पॉट की प्राइस देखो जो भी स्पॉट की प्राइस है राउंड ऑफ कर लो उसका स्टैडल आप सेल करो जैसे कि हमारा राउंड ऑफ करके से स्टैडल आया 43,000 के आसपास उनके जो प्रीमियम से यहाँ पे दिख रहा है फाइव और एट उन दोनों का सम करो मतलब एडिशन करो और वो एडिशन कॉल साइड में प्लस करो और पुट साइड में माइनस करो तो आपको ये स्ट्राइक्स मिल मिल जाएगी ठीक है तो ये स्ट्राइक आपको मिल जाएगी ठीक है यहाँ पे आपके ब्रेक यूंस आपको दिखेंगे यहाँ पे ब्रेक इवन से लगभग फोर्टी टू फोर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड के आसपास और ऊपर का ब्रेक डाउन है लगभग फोर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड के आसपास तो जब तक ये ब्रेक इवंस ब्रीच नहीं होते तब तक हम कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे ठीक है अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं डायरेक्टली डे बाई डे से आगे जाता हूँ नहीं तो अगर मैं थर्टी थर्टी मिनट्स से जाऊँगा आगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा ठीक है तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ आपको हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है ठीक है अभी डिप्लॉय करती ही चार दिन हुए चार दिन में हमें कुछ प्रॉफिट नहीं है पाँच दिन हुए छः दिन सात दिन आठ दिन नौ दिन दस देखा आफ्टर टेन डेज आपको फिफ्टीन थाउजेंड के आसपास प्रॉफिट है आप निकल जाओ आराम से मे, मेरा तो यही मानना है अगर आप बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हो आप यहाँ पे निकल सकते हो और फिर से नया अन डिप्लॉय कर सकते हो नो no, डाउट आप बोलोगे फिर नया इनफ्लॉयड्लॉय गए तो रेंज भी कम मिलेगी अगर रेंज तो कम मिलेगी लेकिन प्रॉफिट तो सिक्योर हुआ ना आपके पास फिफ्टीन थाउजेंड अगर मतलब इन फ्यूचर आपको लॉस भी लेना है तो फिफ्टीन थाउजें तो आपके बोनस में चल ही रहा है ना अगर लॉस भी हुआ फिफ्टीन थाउजेंड का आप तो नो प्रॉफ़िट नो लॉस भी जाओगे राइट right? तो जितना प्रॉफिट आता है हमेशा वो बुक करना सीखो अदर दैन ग्रीड के कारण ऐसा नहीं है कि ये कौन पे आपको दस लॉट के पीछे दिखा रहा है ढाई लाख के आसपास तो आप ऐसा दिमाग आप सोचो ही मत कि मुझे ढाई के ढाई लाख मिलेंगे तीस चालीस हज़ार पचास हज़ार जो भी मिलेगा आप निकल जाओ इससे ये देखो ही मत कितना ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है हम क्योंकि हम जब एडजस्टमेंट्स करेंगे ना तब ये पे ऑफ ग्रह बहुत चेंज हो जाता है तो हमें सिर्फ यही देखना है कि हम मैक्सिमम कितना प्रॉफिट निकाल सकते ना कि ढाई लाख का आप टारगेट कि नहीं ढाई लाख है तो नहीं मुझे उतने उतने के आसपास निकालना है no. नो हम एडजस्टमेंट जैसे जैसे करते जाएंगे तो डेफिनेटली जब एडजस्टमेंट्स करेंगे तो प्रॉफिट हमारा कम होता जाएगा प्रॉफिट इन द सेंस Uh, जो मैक्सिमम uh, प्रॉफिट है वो कम होता जाएगा तो आपको प्रॉफिट ध्यान में ही रखना नहीं है हमें सिर्फ एडजस्टमेंट्स करनी है पे ग्राफ देख के ये ये स्ट्रेटजी में आपको चार्ट देखना ही नहीं टू तो बी फ्रैंक आपको पे ऑफग्राफी देखना है हाँ अगर प्राइस एक्शन के साथ अगर आप इससे जुड़ते हो तो बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो आप लेकिन मैं ये स्ट्रैटर्जी किन लोगों के लिए डिफाइन की है या किन लोगों के लिए जो चार्ट नहीं देख सकते या फिर मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते वो वे ऑफ ग्राफ या ब्रेक इवन देख के एडजस्ट कर सकते हैं इन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटर्जी है मंथली स्ट्रैटर्जी तो देखिए अभी डिप्लॉय करके ऑलमोस्ट बारह तेरह दिन हुए कुछ आपको करना पड़ा गया कुछ नहीं किया आपने और लगभग फिफ्टीन के आसपास आपके हाथ प्रॉफिट में भी आया आप मतलब आपने प्रॉफिट भी जनरेट कर लिया तो इट्स बेटर कुछ ना करके आपको अगर फिफ्टीन सिक्सटीन मिल रहा है तो निकाल लो इससे और फिर नया एन फ्लाई डिप्लाई करो और फिर आ, आगे जैसे एडजस्टमेंट्स है मैं बताऊंगा आगे क्या क्या एडजस्टमेंट्स वैसे एडजस्टमेंट्स आप करते जाओ ठीक है तो नेक्स्ट डे हम चलते हैं सिक्स थाउजेंड के आसपास प्रॉफिट नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे दे। दे। देखिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एडजस्टमेंट्स कैसी रहेगी ना कि मैं एकदम प्रिसाइस बताऊंगा बताऊँगा हाँ अभी ब्रीच हुआ है नहीं अभी करो वो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एडजस्टमेंट्स कैसी होती है ठीक है एडजस्टमेंट मतलब मार्केट में कभी भी ब्रीच कर सकता है आपके ब्रेक इवन तो आपके पास टाइम भी रहेगा मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ब्रेक इवन ब्रीचेस हुए और आप कई मीटिंग में फंसे हो या कहीं पे हो आप 10-15 बीस मिनट दे सकते हो मंथली अनप्लाई की बात करो और जब आपके पास अगर टाइम हो जैसे कि थर्टीन दिसंबर चल रहा है और एक्सपायरी ट्वेंटी को है मतलब लगभग आपके पास पंद्रह सोलह दिन सोलह सत्रह दिन है तो आपके पास प्रीमियम भी उतने अच्छे रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही मार्केट ब्रेक इवन हो जाए मतलब ब्रेक इवन ब्रीच करो और आप इमीजिएट भागते दौड़ते आ जाओ कहीं से भी ऐसा नहीं है आप आराम से पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा दे सकते हो फिर उसके बाद आप एडजस्टमेंट करोगे तो भी कोई इशू नहीं ठीक है तो ये पूरा डिफाइन है ट्राइड एंड टेस्टेड है इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ठीक है तो हम फिर से एक दिन आगे चले जाते हैं और यहाँ पे देखो जब तक ये ये यहाँ पर देता अभी 14 दिसंबर है ब्रेक इवन के आसपास पास है देखो हमारा ब्रेक इवन फोर्टी फोर थाउजन टू ट्वेंटी एट है और यहाँ पे अलग ऑलमोस्ट ब्रीच किया है लेकिन मार्केट क्लोजिंग के टाइम है तो ऐसा कभी मत करो कि आपको लगता है कि मार्केट गैप अप खुलेगा अभी देखो ये साइड अगर जाएगा मार्केट ये दस लॉट की बात है दस लॉट में आपको एक एक, एक सवा लाख के आसपास लॉस होगा ठीक है तो ऐसा मत सोचो कि नहीं अभी मार्केट क्लोजिंग है ब्रेक इवन पर खड़ा है तो हम अभी एडजस्टमेंट कर देते हैं कभी नहीं करना अगर मार्केट क्लोजिंग के समय आपके ब्रेक इवन पे अगर मार्केट खड़ा है तो आप एडजस्टमेंट कभी भी मत करो गैप अप खुलेगा तो हमें पता है कि एडजस्ट कैसा कर करना है लेकिन अगर गैप डाउन खुला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक है तो पॉसिबिलिटी हमेशा डाउन साइड की ज़्यादा रहती है गैप अप तो खुलेगा कभी लेकिन मार्केट नीचे खुलने में उसको एक छोटी सी न्यूज़ भी काफ़ी होती है ठीक है तो कभी भी मत एडजस्टमेंट करो अगर मार्केट क्लोजिंग के समय आपके ब्रेक इवन के आसपास आ जा आता है तो कभी भी एडजस्टमेंट करो आप टाइम दो मार्केट को नेक्स्टडे सुबह देखो क्या होता है उसके बाद फिर आप एडजस्ट करो जैसे कि यहाँ पे आप देख सको दिसंबर आपने अगर नेक्स्ट अभी जिसने यहाँ पे एडजस्टमेंट की नेक्स्ट डे दे देखो मार्केट शायद गैप डाउन खुला देखा तो आप ठीक है प्रॉफिट में बाहर निकल सकते हो वो टाइम में भी अगर मेरी एडजस्टमेंट्स करोगे तो आप डेफिनेटली या फिर अगर आप, आप एक्सपीरियंसड हो तो आप निकल सकते हो बाहर लेकिन ये सिचुएशन में एम टू एम में आपको बहुत लॉसेस दिखेंगे देखिए एम टू एम में आपको लॉसेस दिख सकती है स्ट्रैटेजी में लेकिन हमें पे ऑफ ग्राफ देख के चलना है ठीक है हमें ग्रीन जोन में हमें रहना है ठीक है यहाँ पे अभी प्रॉफिट दिख रहा है फोर्टी थाउजेंड के आसपास पास पंद्रह दिन मतलब फिफ्टीन दिसंबर है मतलब सैटरडे डिप्लॉय करके हमें लगभग ट्वेंटी डेज हुए तो ट्वेंटी डेज में अगर आप फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो राइट आपने कुछ भी नहीं किया है इसमें कुछ भी नहीं किया है एडजस्टमेंट एक ना एक सिंगल एडजस्टमेंट किया लेकिन आपने फोर्टी के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर दिया है इसे लेकिन अभी हम क्यों आगे जा रहे हैं मैं आपको एडजस्टमेंट्स दिखाना चाह रहा हूँ देखिए हर मंथ ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी आपके पास कि कुछ ना करो आप खाली हाथ पे हाथ बेड बेड रहो और आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा ऐसा कभी होगा भी नहीं ठीक है ये आपका मार्केट का मार्केट ने आपको एक्चुअली मतलब टाइम दिया है कि इसलिए आपको फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ प्रॉफिट मिला है तो डेफ़िनेटली फोर्टी थाउजेंड इज़ अ वेरी मतलब बहुत सारे लोगों की सैलरी होती है उतनी तो आप अगर कुछ ना करके फिफ्टीन डेज़ में अगर आपको मिलता है तो आप सिक्योरली उसे लेके बाहर निकल जैसे मैंने बोला था कि किफ्टी फिफ्टीन थाउजेंड मिल रहे वो बुक करके आप नया एंड फ्लै अगर डिप्लॉय करते तो आपका ब्रेक इवन शायद यहाँ पे ब्रिज भी हो जाता नया एंड फ्लै अगर डिप्लॉय करते आप तो तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाएगी ना कि ये सिर्फ आप एक ही वीडियो देखो और आप फनोगे कि मैं प्रो एक्सपर्ट बन गया ऐसा नहीं है बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस ही आती है ठीक है तो हम आगे आगे चलते हैं एक दिन अभी मैं जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ एडजस्टमेंट का पार्ट बता रहा हूँ मतलब जो आगे जो भी होगा प्रॉफिट यहाँ पे तो आप आराम से बुक कर सकते थे देखिए नेक्स्ट डे दे हम जाएंगे 62,000 के आसपास प्रॉफिट है वहाँ यहाँ तो कोई भी निकल सकता है नो no डाउट लेकिन मुझे आपको एडजस्टमेंट सिखानी है कि मार्केट में क्या क्या हो सकता है सेवेंटी के आसपास प्रॉफिट चल रहा है ट्वेंटी दिसंबर डिसम्बर ट्वेंटी थर्ड देखिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक इवन ब्रीच किया है अभी हम थोड़ा पीछे जाएंगे कि हमने हमें मार्केट ने टाइम दिया रहेगा ठीक है कि ब्रेक इवन के आसपास अगर मार्केट आता है देखिए ये एक्सट्रीम सिचुएशन है कि जहाँ पे आप पूरा सेवेंटी टू थाउजेंड प्रॉफिट भी दिख रहा था फिर भी आप देखिए यहाँ पे आप एक बार बार नोटिस करो कि ब्रेक इवन ब्रीच तो हुआ है देखिए फोटी राइट right? और हमारा ब्रेक इवन तो इतना है मतलब ऑलमोस्ट सौ पॉइंट नीचे चला गया है मार्केट लेकिन फिर भी आप थर्टी प्रॉफिट में और रीज़न बी एंड ब्लू लाइन आपको प्रॉफिट दे रही है ठीक है तो देखिए और मैं पंद्रह मिनट पीछे चला जाता हूँ शायद मार्केट ने हमें टाइम दिया रहेगा एडजस्टमेंट्स के लिए ठीक है लगभग 11 अभी इसके आसपास हमें एडजस्टमेंट मिली जो कि मैं मैंने आपको कहा था कि आप 15-20 मिनट आराम से दे सकते हो उसका रीज़न ही है ये देखो थर्टी फाइव थाउजेंड और आप एक घंटा भी रुकते देखिए 30 मिनट्स और मैं आगे लूँगा तो प्रॉफिट में इतना कम बीस हज़ार है लेकिन ब्रेक इवन देखो ऑलमोस्ट डेढ़ सौ पॉइंट अंदर चला गया मार्केट लेकिन फिर भी प्रॉफिट में तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इसमें इतना मतलब जैसे ब्रेक इवन ब्रीच हो जाए तो आप पैनिक मत हो जाना यू हैव मतलब आपके पास है बस पंद्रह बीस मिनट आपके पास रहते ही हमेशा एडजस्टमेंट के लिए ठीक है तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करेंगे तो स्टैंडर्ड आप पिछले वाले मेरे एन फाइव वीडियोज़ देखो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हम क्या करते हैं जो भी एटीएम पे जो भी प्राइस चल रही है मतलब हमारा ब्रेक ही उनका प्राइस फोर्टी वन नाइन हंड्रेड राउंड ऑफ में कर रहा हूँ फोर्टी वन नाइन हंड्रेड हम सेल करेंगे कॉल फोटी वन नाइन हंड्रेड कहाँ पर गया फोर्टी वन नाइन हंड्रेड सेल किया हमने कॉल टेन लॉट्स ठीक है और उसका हेज बाय किया जो कि लगभग दस रुपये के आसपास होता है वो हमने बाय किया टेन लॉट्स में ठीक है और देखिए हमारा पे ऑफ गार कुछ ऐसा बना ठीक है तो हम देखिए हमारे नीचे की साइड तो सिक्योर हुई है मैं थोड़ा जूम करता हूँ फोर्टीन थाउजेंड के आसपास लॉस दिख रहा है मतलब ये हम मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम आज, इसे एडजस्ट करके प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं लेकिन हमें मुझे क्या दिखाना है अभी सिर्फ आपको एडजस्टमेंट्स कैसी होती है ये मुझे दिखाना है थर्टी मिनट से हम आगे आगे चले जाएँगे ठीक है और आपको जिन लोगों को ओवर नाइट आ, से डर लगता है वो भी मैं यहाँ पर दिखाऊँगा फोर्टी रुपीज़ देखिए अभी पंद्रह बज के बीस मिनट है ठीक है मतलब मार्केट क्लोजिंग का समय है तो उस समय आप क्या करो जो भी प्रीमियम फिफ्टी रुपीज़ फोर्टी फिफ्टी रुपीज़ के आसपास जो भी प्रीमियम चल रहा हो कौन साइड में रीज़न क्या है यहाँ पे देखो आपको डर ऊपर की साइड है अभी देखो मार्केट लगभग टू परसेंट भी ऊपर गैप अप खुला तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे लेकिन मेरे ये स्ट्रैटेजी का ओवरऑल व्यू क्या है कि कैपिटल प्रोटेक्शन हम कैसे करें तो हम इसलिए क्या करेंगे हमें डर ऊपर के साइड है ना कि नीचे के साइड नीचे की साइड तो हम एडजस्ट कर सकते हैं कहाँ पे भी खुले मार्केट ठीक है लॉस तो होगा नहीं मैक्सिमम लॉस तो फोटीन थाउजेंड के आसपास है मैं दस लॉट की बात कर रहा हूँ तो एक लॉट के पीछे फोटो चौदह सौ लॉस होगा राइट तो मैं ऊपर की साइड की बात कर रहा हूँ तो हम क्या करेंगे एक फोर्टी फिफ्टी रुपीज़ के आसपास जो भी प्रीमियम है आ, मान लीजिए हमने 46 आ, 46 जो है हमने बाय किया टेन लॉट्स में ठीक है और हम ये सिर्फ ओवरनाइट प्रोटेक्शन के लिए लेके जा रहे हैं देखिए हमें और पे ऑफ ग्राफ कैसा हुआ ऊपर की साइड भी हम प्रॉफिटेबल है ठीक है मार्केट अभी ऊपर कहीं पे भी खुले हम प्रॉफिट में ही रहेंगे ठीक है तो हमें सिर्फ क्या करना है मार्केट जैसे ही खुलता है नौ बज के बीस पच्चीस देखिए मार्केट गैप हम खुला हमें कुछ नहीं करना पी एन एल में जाके हमें ये जो ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड प्रॉफिट दे रहा है ये बुक करना है फ़िफ्टी सिक्स रुपीज़ मॉडिफाइड फिर हम चले जाते हैं एक दिन आगे मैं अभी पंद्रह मिनट पीछे ले रहा हूँ रिजन बे एंड तक मुझे एक दिन डायरेक्टली आगे जाना है देखिए हमें डायरेक्टली मार्केट क्लोजिंग के समय आ गए हम यहाँ पे ठीक है अभी यहाँ पे देखो एक बात देखो आप कि हमने जो सेल किया है फ्लाई ठीक है अभी देखो हमने फोर्टी फोर्टी टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अभी मार्केट चल रहा है फोर्टी थ्री थाउजेंड के आसपास अब आप बोलोगे ये निकलना कब है इससे अभी मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है तो इसके लिए क्या एडजस्टमेंट सो हम क्या करेंगे ये जो 42,000 जो हमने एडजस्टमेंट्स लेके फोर्टी टू ट्वेंटी फोर टू सिक्स जो 41,900 हमने सेल किया था यहाँ जब ब्रेक ऑन हुआ था मार्केट ये जब डबल ना हो जाए ना तब तक हम उसे फोल्ड करके जाएंगे ठीक है अभी देखो मार्केट क्लोजिंग का टाइम है और माइ डबल हुआ है तो हम इसे फोल्ड करके जाएंगे क्या पता मार्केट गैप डाउन खुले लेकिन इसके लिए हम एक ओवरनाइट प्रोटेक्शन लेके जाएंगे ठीक है जो कि फ़िफ्टीन रुपीज़ के आसपास रहेगा टेन लॉट्स फिफ्टीन मिनट्स में आगे चला जाता हूँ देखिए मार्केट गैप अप खुला यहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज़ प्रॉफिट दिया वन वन टू में इसे बुक करता हूँ ठीक है देखिए सत्रह सौ के आसपास लॉट चल रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी में मैं एक्सट्रीम सिचुएशन बना रहा हूँ देखिए और यहाँ पे देखो ये हमने बुक किया लगभग कितने पे चल रहा है ये एक हज़ार चालीस के आसपास तो अगर फिर थोड़ा पंद्रह मिनट में पीछे चला जाता हूँ सॉरी पंद्रह मिनट एक हज़ार चालीस पे मैं इसको हम इसको निकाल देंगे ठीक है नहीं यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम मिला रहेगा थोड़ा पीछे जाता हूँ मैं यहाँ पे मार्केट ने हमें टाइम दिया होगा इसे निकालने में भी पूरी डे की बात कर रहा हूँ ठीक है थर्टी मिनट से थोड़ा आगे चला जाता हो ये इस पर हमें ध्यान रखना है ये लगभग नौ सौ के आसपास कब पहुंचता है ठीक है यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब ढाई बजे के डेढ़ बजे के आसपास से पहुँचा तो हम नौ सौ पे इसे निकाल देंगे ठीक है नाइन हंड्रेड हम फिर से कौन में आ जाएंगे देखो फिर से हम कौन में आए ठीक है ये हमारा कौन है ठीक है अभी हमें कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं करने हैं अभी हमें सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करते जाना है ठीक है तो डायरेक्टली मैं एक एक दिन से अभी रीज़न बिहाइंड आंडर अब अब हमारे पास सिर्फ तीन ही दिन बचे ठीक है और मार्केट में डाउनसाइड रिस्क है लेकिन वो भी 0.7 पॉइंट परसेंट दो तो और जब फिर से ब्रीच होता है अगर ब्रेक इवन तो देखिए मैं इसको भी निकाल देता हूँ एज तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये सी कितने पे है तो अभी थर्टीन रुपीज़ के आसपास चल रहा है थर्टीन रुपीज़ पर मैं बुक करता हूँ थर्टीन ठीक है तो कौन बनेगा फिर से फिर से आप कौन में आ जाओगे ठीक है अभी हमें क्या करना है रिसेट करता हूँ जूम थोड़ा तो और आपको पे हो थोड़ा अच्छे से दिखेगा फिर से मैं आ, एक एक डे से आगे जाता हूँ डायरेक्टली देखिए अभी प्रॉफिट चल रहा है फिफ्टी टू थाउजेंड और एक्सपायरी के लिए शायद दो दिन ही बचे राइट ट्वेंटी एट दिसंबर देखिए अभी प्रॉफिट चल रहा है सेवेंटी फोर थाउजेंड अगर आप एक्सपायरी के दिन तक रुकते हो जबकि आपको रुकना नहीं चाहिए ठीक है लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर कोई रुक रहा है तो देखिए और एक्सपायरी का ये दिन कितना प्रॉफिट हुआ एक लाख चौदह हज़ार के आसपास देखिए हमने क्या किया, किया कि मार्केट हमारे जो ब्रेक इवन है उससे ऑलमोस्ट शायद थाउजेंड पॉइंट नीचे आया था राइट हमने ये एडजस्टमेंट की थी फोर्टी वन एक्जैक्ट थाउजेंड पॉइंट देखिए ये एडजस्टमेंट ए टी एम था तब तो फोर्टी फोर्टी टू थाउजेंड और यहाँ पे फोर्टी थ्री थाउजेंड है तो लगभग मार्केट बारह सौ पॉइंट हमारे स्टैंडल से नीचे गया फिर बारह सौ पॉइंट ऊपर आया हमारे स्टेडल के भी ऊपर चला गया मतलब बारह सौ पॉइंट नीचे गया और फिर बारह सौ पॉइंट ऊपर आया ये इतनी सारी वोलाटिलिटी हमने एडजस्ट करके एक लाख चौदह हज़ार प्रॉफिट निकाला है दिसंबर के मंथ में ठीक है ये ये अभी सिचुएशन आती है बहुत सारी कभी कभी मार्केट हिलता भी नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हाई विक्स जब आ, या हाई आईवी सिचुएशन जब होती है तो तो बहुत अच्छा समय होता है मतलब आप मानोगे नहीं जब हाई आईवी सिचुएशन चल रही होती है आप आई फ्लाई डिप्लॉय करो मंथली और देखो आप जैसे ही डिप्लॉय करते हो विद इन टू थ्री डेज आपको तीस चालीस हज़ार प्रॉफिट दिखने लगता है कुछ भी ना करके अगर वोलाटिलिटी नहीं हो हाई आई मतलब वोलेटिलिटी होगी लेकिन मार्केट एक दो दिन भी शांत रहा ना आपको इतने अच्छे प्रॉफिट दिखेंगे ना आपको दो तीन दिन में आप वाई फ्लाई से बाहर निकल जाओ ठीक है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आयन फ्लाई से कर सकते हो भी की मैं खुद कर रहा हूँ लास्ट टू पॉइंट फाइव ईयर से मैं सिर्फ आयन फ्लाई ही डिप्लॉय कर रहा हूँ ठीक है मंथली वीकली बाय वीकली सब आइनफ्लाई में डिप्लॉय करता हूँ ना मैं किसी भी कौन सा भी वीक मैंने स्किप नहीं किया है आप मैंने पिछले वाले वीडियोज़ देखो वहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स बताई हुई है तो बहुत सारे लोग मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं आयन फ्लाईज़ के बारे में तो आप भी जुड़ सकते हो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो एंड फ्लाई के रिलेटेड या कुछ इनफॉर्मेशन हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऑल डिटेल्स हैं मैं सिर्फ uh, फ्लाइज की ही uh, आन फ्लाइज ही सिखाऊंगा मेरे चैनल पे मोस्ट ऑफ द वीडियो आन फ्लाइज़ के आएंगे तो ये अभी मैंने मंथली वीडियो डाला कि मंथली कैसी टेस्टिंग रहती है आन फ्लाई की तो जो और ज़्यादा एन फ्लाइज से सीखना चाहते हो डेफ़िनेटली आप मुझे कॉन्से कॉन्टैक्ट कर सकते हो आयन फ्लाइज़ के बारे में और देखो ये जो मंथली हमने डिप्लॉय किया था दिसंबर के मंथ वो एक्सट्रीम वालाटाइल वीक था मंथ था आपने देखा पंद्रह सौ पॉइंट नीचे पंद्रह सौ पॉइंट ऊपर आया मार्केट जनरली मार्केट इतना वालाटाइल नहीं रहता और ऐसे भी कुछ कुछ मंथ है जहाँ पे दो दो तीन तीन हज़ार मार्केट डाउन साइड चला गया फिर अप साइड आया लेकिन वो सिचुएशन भी कैसे हैंडल करते वो भी आ, मुझे बताए वो चीज़ें सारी एक्सपीरियंस से आपको आ जाएगी ठीक है तो ये स्ट्रैटेजी मैं इसलिए मैंने मतलब ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है वो मंथली डिप्लॉय करो आपको देखिए आपने जनरल कितने एडजस्टमेंट किए हैं तो हमारी चार लेख थी और आपने एक दो तीन चार एडजस्टमेंट्स एक्स्ट्रा किए नथिंग एल्स और आपने लगभग लाख रुपये इसके आसपास प्रॉफिट निकाला और दस लॉट के आसपास दस लॉट के लिए आपको प्रॉफिट लगेगा लगभग अराउंड फिफ्टीन लाख के आसपास ठीक है तो आर भी बहुत अच्छा बनता है इसमें दस फिफ्टीन लाख नहीं आपको दस लाख के पीछे हाँ बाद बारह तेरह लाख के आसपास प्रॉफिट लगेगा लेकिन उस हिसाब से अगर आर ओ आई हुए देखो तो टेन परसेंट के आसपास से जनरेट किया आपने मंथली तो हर मंथ नहीं मिलेगा आपको टेन परसेंट लेकिन आप मंथली थ्री थ्री फोर परसेंट तो थ्री परसेंट तो आप निकाल सकते ही हो ठीक है कैसे भी वह सीट देखिए एवरेज आउट करके जाओ अगर आपको इस मंथ में टेन परसेंट मिलो अगर अगले मंथ में कुछ ना ही मिलो तो आप फाइव फाइव परसेंट आ जाओगे राइट तो मैं एवरेज आउट करके ओवरऑल मंथ ईयर की बात कर रहा हो आप डेफिनेटली एवरी मंथ ट्रेड करो जो भी करना है और जिनको करना है वो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं ये स्ट्रैटर्जी के लिए और अगर एक्स्ट्रा जानने हो आपको पीछे ये स्ट्रैटेजी के पीछे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो उसके ये बारे में तो थैंक यू गाइज आपने बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट भी किया है बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि मेरी स्ट्रैटर्जी फॉलो करके उन्हें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए हैं तो थैंक यू सो मच कि आप एक्चुअली देख के फॉलो कर रहे हो नहीं तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सिर्फ स्ट्रैटेजी देखते हैं और छोड़ देते हैं फिर दूसरा वीडियो देखते हैं दूसरी स्ट्रैटेजी में एंड फ्लाई की बात नहीं कर लो अब कौन सी भी स्ट्रैटी हो आप एक ही स्ट्रैटी करो लेकिन उसमें मास्टर बनाओ ठीक है कौन सी भी स्ट्रैटर्जी रिलीजियसली फॉलो करो लेकिन एक ही फॉलो करो ना कि दस स्ट्रैटर्जी फॉलो करो दस में भी लॉस हो जाए तो आप बोलोगे मार्केट खराब है या हमें नहीं आ रहा ऐसा कुछ नहीं होता एक ही बनो एक ही स्ट्रैटी करो लेकिन उसमें मास्टर बनो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको लॉसेस कभी नहीं होंगे लॉन्ग टर्म में आप ना खाली है, समझ सोचो एक मंथ में दो मंथ में तीन मंथ में, में लॉस हुआ लेकिन चौथा मंथ आपको पूरा लॉस रिकोर करके जाएगा तो कंसिस्टेंसी बना के रखो आप मेरा यही कहना है कि कंसिस्ट मास्टर प्लस कंसिस्टेंसी तो आपका हाथ कोई भी पकड़ नहीं सकता फिर वो कौन सा भी फील्ड हो ठीक है तो ठीक है थैंक यू गाइस लाइक करो चैनल को शेयर करो सब्सक्राइब करो वीडियो आ, और आगे आगे आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगे एंड प्लाइज के ही बारे में बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें भी बताते जाऊँगा छोटे छोटे वीडियोज़ भी बनाऊँगा जिससे आप आ, आपको बहुत नॉलेज भी मिलेगा सो ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच